नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवर क्लिक। आज के दौर में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि नामुमकिन लगने वाले काम भी मुमकिन हो गए हैं। हाल ही में केरल से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। केरल में रहने वाले एक ट्रांसजेंडर कपल जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं। जहाद एक ट्रांसमेल है जो अब प्रेग्नेंट हो गए हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा कर अपने गर्भवती होने की जानकारी साझा की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाद मार्च में बच्चे को जन्म दे सकते हैं। जहाद फाजिल और जया पावल एक ट्रांसजेंडर कपल हैं जो पिछले 3 सालों से साथ रह रहे हैं। जहाद का जन्म एक महिला के रूप में हुआ था, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन के जरिए खुद को पुरुष में कन्वर्ट कर लिया। सर्जरी के दौरान उनके ब्रेस्ट हटा दिए गए थे, लेकिन गर्भाशय और कुछ अंगों को नहीं छेड़ा गया था। इसी वजह से वह कंसीव करने में सफल हो पाए। वहीं जिया पावल का जन्म पुरुष के रूप में हुआ था, लेकिन उन्होंने खुद को एक फीमेल में कन्वर्ट करा लिया। केरल के कोझिकोड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स का कहना है कि कपल को गर्भधारण करने में किसी प्रकार की शारीरिक चुनौती का सामना करना नहीं पड़ा। किसी ट्रांसमैन द्वारा गर्भवती होने का यह भारत में पहला मामला सामने आया है। हालांकि विदेशों में इस तरह के कुछ केस पहले सामने आ चुके हैं। जहाद का कहना है कि उनका जन्म एक स्त्री के रूप में हुआ था, इसलिए उनके अंदर माँ बनने की इच्छा काफ़ी समय से थी, जो पूरी होने वाली है। जहाद और जिया पिछले 3 सालों से साथ रह रहे हैं। जहाद पेशे से एक अकाउंटेंट है, तो वहीं जिया एक शिक्षिका हैं, जो क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग देती हैं। पहले इस कपल ने एक बच्चा गोद लेने का फैसला किया था, लेकिन ट्रांसजेंडर होने के कारण इन्हें काफी कानूनी कार्रवाई के दौरान इन्हें काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं आपको बता दे, इस कपल ने फैसला लिया है कि ब्रेस्ट मिल्क बैंक के जरिए बच्चे को दूध की आपूर्ति की जाएगी। सोशल मीडिया पर यूजर जहाद और जिया को माता पिता बनने की अग्रिम शुभकामनाएं दे रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।